subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? तो आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए ज़बरदस्ती काली मिर्च मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूं। तो मटर पुलाव तो आप अपने घर में हमेशा बनाते ही रहते हैं, बट मेरे तरीके से आज ये स्पेशल मटर पुलाव तैयार हो रहा है। और इसमें हम काली मिर्च की एक स्पेशल चटनी तैयार करेंगे, वो आपने देखी है कि किस तरीके से मैं वो चटनी तैयार करती हूँ। कि कोई हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर, कोई कुटी लाल मिर्च या कोई हम पिसी हुई हरी मिर्च इसमें नहीं डालेंगे। काली मिर्च स्पेशल चटनी तैयार करेंगे और बनेगा ये ज़बरदस्त सा काली मिर्च स्पेशल चटनी पुलाव। यहाँ पर देखें, ये 1.5 किलो मैंने मटर लिए हैं। यहाँ पर देखें, 1/2 किलो ये चावल है, क्योंकि ज़बरदस्त स्पेशल मटर पुलाव बन रहा है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कर सकते हैं, मटर कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं 1/2 किलो, तो गुड क्वालिटी चावल आपने लेने हैं। बहुत असर पड़ता है हमारे डिश पर अगर हमारे चावल अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर देखें कि मैंने 1.5 किलो लिए थे, उसमें से तकरीबन 1.25 किलो निकले हैं। ये मैंने 1.5 किलो साबुत लिए थे मटर, और ये छीलने के बाद ये इतने रह गए हैं, तकरीबन 1.25 किलो मटर ये रह गए हैं। तो मैं ज़रा, हमारे यहाँ अच्छा खाया जाता है मटर पुलाव के साथ, मटर अच्छे यूज़ किए जाते हैं। तो मलीर का मटर लेना है आपने, दानों से भरा हुआ मटर लेना है। तो उसको छीलने के बाद ये मेरे पास 1.25 किलो बचे हैं। यहाँ पर जो आप अज्जा देख रहे हैं, ये स्पेशल सी एक चटनी तैयार होगी, काली मिर्च की चटनी। तो आपने तमाम अज्जा को नोट करना है कि मैं ये स्पेशल काली मिर्च की चटनी किस तरह तैयार करती हूँ। यहाँ पर हम इसकी वेजिटेबल्स देख लेते हैं। देखें, ये देखें, 1.5 गड्डी मैंने लहसुन लिया है, 3 इंच का ये अदरक का पीस है। और यहाँ पर देखें, टैंगी फ्लेवर, 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो हैं और 1 छोटी सी प्याज है। इनको तो हम पीसेंगे साथ ही, इनके अंदर ये तमाम अज्जा भी चटनी के साथ ही पीसेंगे। तो देखें, 1 टेबल स्पून है साबुत धनिया, और 1 टेबल स्पून भर के आपने काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च मटर पुलाव हो तो काली मिर्च ही जिसमें अच्छे से फ्लेवर देंगे, 1 टेबल स्पून भर के, और 1 टेबल स्पून सौंफ। 15 मैंने लिए हैं इसमें छोटी इलायचियाँ। तो छोटी इलायची से बड़ा खुशबूदार सी चटनी तैयार होगी, और काली मिर्च के साथ। और ये देखें, कुछ तेज़पात के पत्ते हैं, 3 से 4। ये देखें, 2 बड़ी इलायचियाँ मैंने ली हैं, और मैं इनकी जो छिलके हैं, क्योंकि इससे हम चटनी में अगर पीसते हैं ना तो हमारी चटनी काली हो सकती है और हमारे चावल पर ज़रा काला सा हो सकता है कलर, तो इसलिए हम इसके छिलकों को उतार लेंगे। तो छिलकों में भी काफ़ी अरोमा होता है, इसको हम अपने साबुत ही डाल देंगे। जब हम तड़का लगाएंगे ना, उसमें हम साबुत ही डाल देंगे। बट अभी हम पीसने के लिए चटनी तैयार कर रहे हैं, तो हमने काली मिर्च के बीजों को हमने निकाल लिया है। और ये देखें, 8 मैंने लिए हैं लौंगे, बड़ी अच्छी खुशबू सी हमदार हमारी चटनी तैयार होगी। और इसके अलावा देखें आप, मैंने एक लिया है ये जायफल, जावित्री का पीस लिया है, एक जावित्री का फूल लिया है, बड़ा फूल है, बहुत अच्छा टेस्ट और जायका आता है हमारी चटनी में। और ये देखें, जायफल ली है मैंने 1/4 टीस्पून। और इन तमाम की हम चटनी तैयार करेंगे। देखेंगे आपने किस तरीके से मैंने चटनी को रेडी किया है। तो सबसे पहले तो मैं अदरक लहसुन को वो करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको तड़के के अज्जा दिखा दूँ। 2 ये देखें मैंने कनौर क्यूब्स लिए हैं, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा, और कुछ मैंने इस पे लिए हैं 8 से 10 ये आलू बुखारे, 1 टीस्पून भर के काला ज़ीरा लिया है। काले ज़ीरे का पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आपने ज़रूर भर के डालना है 1 टीस्पून। ये देखें, 1 ये बादियान का फूल था, कुछ दालचीनी के पीस हैं, और 1 बड़ी इलायची मैंने ली है। तो तैयारी शुरू करते हैं। ये देखें, 1/2 मैंने ये अदरक लहसुन और ये जो टमाटर और नन्ही सी प्याज दिखाई थी, मैंने इसको पीस लिया था, और थोड़ा सा मैंने निकाल के, क्योंकि थोड़ी स्पेस इसमें भर गई थी, बाकी थोड़ा सा मैंने इसको कम कर लिया था। और अब हम जो तमाम अज्जा इसमें डालेंगे, काली मिर्चें, साबुत धनिया, ज़ीरा, और ये देखें, तेज़पात के पत्ते, छोटी इलायचियाँ, खुशबूदार सी चटनी तैयार होगी काली मिर्च के साथ। और ये देखें, बड़ी इलायची के बीच आपके सामने मैंने खोले थे, ये मैंने डाली है इसमें जायफल के पीस, और ये देखें, खुशबूदार करने के लिए ज़बरदस्त सी जावित्री का फूल, और बाकी के तमाम अज्जा मैंने आपके सामने इसमें डाल दिए हैं। और ये तैयार हो रही है काली मिर्च की चटनी। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी काली मिर्च की हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। और ये जो आप प्लेट में देख रहे हैं, इसी का ही थोड़ा सा मैंने टमाटर को पीस के निकाल लिया था, क्योंकि स्पेस नहीं हो रही थी ना मेरे जार में। तो अब ये इन तमाम अज्जों को हम मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें, 1 नन्ही सी प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टैंगी फ्लेवर टोमेटोज़ हैं इसमें, अदरक और लहसुन की चटनी, और कोई इसमें हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, कुटी मिर्चें हमने नहीं डाली हैं, सिर्फ काली मिर्च से ही हमने इसको फ्लेवर दिया है। और आपने देखा कितने खुशबूदार अज्जा मैंने इसमें डाले हैं,
छोटी बड़ी इलायची, और ये अब देखें इसमें सोने पे सुहागा। जब इसमें ये आलू बुखारे जाएंगे तो खटास का फ्लेवर हमने कोई इसमें दही वगैरह हम नहीं डालेंगे, बस दो मीडियम साइज़ के जो टैंगी फ्लेवर टोमेटोज वो हमने डाले हैं और ये हमने आलू बुखारे डाले हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों से इसमें टेस्ट आएगा और ये चटनी ही खुद अपने आप में ही एक ज़बरदस्त फ्लेवरफुल सी चटनी है। आप सोचें कि काली मिर्च चटनी के साथ जब हम मटर पुलाव को रेडी करते हैं तो वो कैसा शानदार बनेगा। तो यहाँ पर देखें 125 ml मैंने घी गरम किया है। आप इसको तेल में तैयार करें जिस तरह आप पसंद करते हैं अपने घर में तैयार करना। तो यहाँ पर तकरीबन आधा पाव 125 ml का मैंने घी गरम कर लिया है। तो सबसे पहले हम अपने तड़के के अज्जा हम इसमें डालेंगे। एक ये थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया था ज़ीरा और काला ज़ीरा, लौंगे और दालचीनी और एक बड़ी इलायची। तो यहाँ पर हम इसको हल्का सा क्रैकल करेंगे और फिर हम इसके बाद देखें इसमें कोई हमने प्याज ब्राउन नहीं करनी है और कोई बहुत सारे टमाटर या दही का इस्तेमाल नहीं है। ये थोड़ी ख़ास स्पेशल चटनी के साथ ये मटर पुलाव तैयार होता है। तो डायरेक्टली हमने कोई प्याज को ब्राउन नहीं करना है और ये हमने अपने तड़के के अज्जा को क्रैकल करेंगे और उसके बाद हम अपने जो हमने ज़बरदस्त ये चटनी तैयार की है काली मिर्च की वो हम डालेंगे। तो आपने पूरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर देखें थोड़ा सा क्रैकल करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी ये काली मिर्च की ज़बरदस्ती चटनी। तो अदरक लहसुन इसमें ज़्यादा जाता है। प्याज आपके सामने एक बिल्कुल नन्ही से मैंने ली है और ना होने के बराबर है वो प्याज भी, और दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। तो बस ये आपने तमाम रेशो को अच्छे से फॉलो करना है तो आप भी ज़बरदस्ती चटनी अपने घर में तैयार कर सकते हैं काली मिर्च स्पेशल चटनी पिलाओ। तो मटर के साथ बना रहे हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस मटर के साथ। हम इसमें जो आलू बुखारे डालेंगे उससे भी बहुत अच्छा इसमें अरोमा और फ्लेवर इसमें से देखिएगा। आपने तैयार ज़रूर करना है इस रेसिपी को। तो थोड़ा सा अदरक लहसुन को अपने मैंने आपसे कहा है कि हमेशा हल्की आंच पर भूनना है हमने, क्योंकि हमने अच्छी क्वांटिटी में हमने 1.5 गड्डी इसमें देसी लहसुन और अच्छा खासा हमने अदरक इसमें डाला है। तो अदरक लहसुन काली मिर्च की चटनी ज़बरदस्त से भून रही है। थोड़ा टाइम मैं दूंगी इसको और उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी देर में इसको ढककर भी कुक करूँगी। वो आपने देखना है कि किस तरीके से मैं इसको तैयार करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 3 मिनट तक मैं इस चटनी को भूनूंगी। तो अब मैं थोड़ा सा इसको ढककर भूनूंगी। तो आपने देखना है कि हल्की आंच पर आपने अदरक लहसुन और इस चटनी को भूनना है। तो तकरीबन 2 मिनट से 3 मिनट के बाद मैं इसको देखूंगी। और यहाँ पर हो चुके हैं तकरीबन 3 मिनट और हल्की आंच पर मैंने इस चटनी को भुना था। अब हम इसके हालात देख लेते हैं कि हमारी चटनी कैसी भुन गई है। तो यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। और अब हम डालेंगे अपने मटर, जो हमने उससे पहले हम ये देखें चिकन की उसमें डाल रही हूँ। तो आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, 2 मैंने डाले हैं चिकन क्यूब। तो उसके आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास चिकन क्यूब थे वो मैंने डाल दिए हैं 2। तो यहाँ पर मैंने 1.25 किलो जो हमारे 1.5 किलो मटर थे और उसको छीनने के बाद ये 1.25 किलो रह गए थे, तो यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। क्योंकि मटर पुलाव में मटर ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैं इसमें आलू नहीं डालती। हमारे यहाँ मटर ही के फ्लेवर के साथ ये मटर पुलाव पसंद किया जाता है और बहुत शानदार तैयार होता है। तो मेरा तो यही रेशो होता है कि मैं तकरीबन 1.5 किलो लाती हूँ तो 1.25 किलो उसमें से निकलते हैं और 1/2 किलो चावल के लिए वो इनफ रहते हैं। यहाँ पर मटर के साथ हम थोड़ा सा कुक करेंगे और अब हम ये मटर को हमें गलाना है। तकरीबन 10 मिनट, 8 से 10 मिनट मैं इसको कुक करूँगी ढककर। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है, आपने अपने हिसाब से डालना है। तो यहाँ पर कंडीशन देखें, मटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तकरीबन 8 मिनट मैंने इसको दिए थे, थोड़ी सी लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाया था। हल्के से अच्छे से हमारे मटर गल चुके हैं। तो अब हमने अपने चावल डाल दिए हैं और चावल में अपने हिसाब से आपने नमक डालना है, क्योंकि हम इसमें किनोर के उसके क्यूब चिकन क्यूब डाले हैं तो उसकी वजह से आपने नमक अपने हिसाब से कम ही डालना है, क्योंकि किनोर क्यूब में भी नमक होता है। तो यहाँ पर हमने अंदाजे से पानी डाल देना है, इतना कि हमारे चावल अच्छे से खड़े खड़े कुक हो, क्योंकि हमारे चावल 1/2 घंटा पहले से भीगे हुए थे। तो ये इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए पानी इतना डालना है कि हमारे चावल मैशी ना हो और खड़े खड़े ऐसे रहें और कम्प्लीटली कुक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अंदाजे से इसमें पानी डाल दिया। मेरी तमाम माओ बहनों को पानी का अंदाज़ा मेजरमेंट्स का होता है कि चावल से दुगना पानी जाता है जब हम कोई भी रेसिपी चावल के तैयार करते हैं। यहाँ पर देखें मैं थोड़ा सा ही नमक डालूँगी अपने अंदाजे से, क्योंकि चिकन के ऊपर हमें नमक होता है। तो मैंने अपने अंदाजे से नमक डाल दिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून से तक मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और अब यहाँ पर दम पे लगाने के बाद ये शानदार से चावल हैं तैयार और आप इसका लुक देखें। लेकिन उससे पहले यहाँ पर पुदीना हम डालेंगे खुशबू के लिए। थोड़ी सी देर हम इसको और दम पर रखेंगे और
थोड़े से हमारी मिर्चें और अदरक जिंजर जूलियन हम इसमें डालेंगे तो इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी हमें हमारे दम के अज्जा हैं तो चावल हमारे तकरीबन कुक तो हो चुके हैं, बट हम दम पर इसको लगाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा दम लगाने के बाद, तकरीबन 5 मिनट का दम लगाने के बाद, और ये देखें ज़बरदस्त से हमारे चावल हो चुके हैं तैयार। तो देखिए कितने खिले खिले चावल तैयार हुए हैं और इतने ज़बरदस्त जायके में, इतने औसम थे ये चावल कि आप एक दफ़ा बनाएंगे मेरे तरीके से तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। इसमें हमने जो चिकन क्यूब डाला है इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर तो निकला है, बट जो हमने इसमें काली मिर्च की चटनी आपके सामने मैंने रेडी की थी उससे इसका तो बहुत औसम इसका टेस्ट था। तो देखिए कितना आसान है इसका बनाना, कोई इसमें प्याज टमाटर दही और ये कोई लाल मिर्चें कोई पिसी हुई हरी मिर्चें हमने नहीं डाली हैं, सिंपल सी एक ज़बरदस्त सी काली मिर्च की अपनी चटनी तैयार कर लेनी है और तैयार कर लेना है ज़बरदस्त सा मटर पुलाव। चावल आपके अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और तो तैयार कर लेंगे आप। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त चावल हो चुके हैं तैयार। अब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।